क्या झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी होने वाली है? जी हाँ, क्या एक बार फिर से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास को झारखंड की सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास इस खबर में करेंगे दोस्त। उससे पहले बता दे कि मेरा नाम साजिब है और आप समाचार आज तक देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों बता दे कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे राज्य में 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए जो है राय शुमारी कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था। इसमें गुप्त रूप से तमाम वो पंचायत से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की राय जानने की का जो काम है भारतीय जनता पार्टी वो कर रही थी। बता दे कि इसी को लेकर के पूरे राज्य में वोट भी दिलवाया गया गुप्त रूप से और 3 प्रत्याशियों के नाम, 3 दावेदारों के नाम तमाम कार्यकर्ताओं से जो है गुप्त रूप से जमा करवा लिए गए और इसको लेकर के अब काफी ज्यादा जो है चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी सीट जहां से रघुवर दास चुनाव जीत कर आए थे, और हालांकि वो बात अलग है कि 2019 में सरयू राय के आगे वो चुनाव वहां पर हार गए, एक बार फिर से उस सीट पर रघुवर दास के नाम की चर्चा तेज हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि एक बार फिर से रघुवर दास को झारखंड में सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उतारने की अटकलें जो है वो काफी ज्यादा हवा पकड़ती जा रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी में जब भारतीय जनता पार्टी का रायशुमारी का कार्यक्रम हो रहा था, इसमें रघुवर दास के नाम की चर्चा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और आला नेतृत्व से रघुवर दास को झारखंड की सक्रिय राजनीति में लाने की जो है बात यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के एक बार फिर से झारखंड की सक्रिय राजनीति में आने का मन जो है रघुवर दास जो है बना रहे हैं। अब आपको बता दें कि रघुवर दास 27 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में अब इस बात की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उनको उतार सकती है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं रघुवर दास, दूसरी तरफ पार्टी के रायशुमारी कार्यक्रम में रघुवर दास को वापस से सक्रिय राजनीति में लाने की चर्चा तेज होने लगती है। ऐसे में इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से रघुवर दास को झारखंड में लाया जाएगा। लेकिन अगर झारखंड में लाए वापस से लाया जाता है तो उनका खेल बिगाड़ने के लिए इस बार सरयू राय जो है फिर से मैदान में है। बता दे कि इस बार NDA गठबंधन का हिस्सा जो है नीतीश कुमार की पार्टी JDU भी है, जिसके जो सरयू राय के साथ मिलकर के जो है झारखंड में चुनाव लड़ लिया और उन्होंने NDA के साथ गठबंधन किया है, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सीट JDU के खाते में जाए और यहां से सरयू राय NDA के तरफ से चुनाव लड़े। तो ऐसे में रघुवर दास के आने का, झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापस आने का खेल जो है वो सरयू राय कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो चर्चाएं रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में वापस आने को लेकर के उठ रही है, ये हवा थी या फिर सच में झारखंड की राजनीति में रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लॉन्च करने की तैयारी लगी हुई है। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या रघुवर दास को एक बार फिर से झारखंड की सक्रिय राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। खबर अच्छा लगा तो खबर को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें समाचार आज तक।